सो गाइस आज के कौन ही वीडियो में आप लोग का स्वागत है जो कि हिंदी सॉन्ग स्टेटस एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप लोग लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इधर आप लोग प्रोजेक्ट पे चले जाना और यहाँ से आप लोग इन दोनों को इंपोर्ट कर लेना है। आप लोग के बीट मार्क एक आप लोग के सीख की फेट है। तो यहाँ से आप लोग बीट मार्क को ओपन कर देने के बाद यहाँ से मैं एक बार साउंड आप लोग को सुना देता हूँ जो कि डीजे रिमिक्स हिंदी सॉन्ग है। तो यहाँ से आप लोग किस टाइप से फोटो को ऐड करना, कैसे स्टेटस को एडिटिंग करना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पर एंड तक देख लीजिएगा। तो इधर आप लोग को स्टार्टिंग में चला जाना और यहाँ से प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना, फोटो को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। फोटो ऐड करके ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर दोगे तो आप लोग का फुल फ्रेम में हो जाएगा और इस बीट मार्क तक आप लोग इधर से फोटो को कट कर लेना। तो आप लोग फोटो ऐड करना है तो मालूम ही होगा, तो जल्दी से फोटो को ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ तक मैंने फोटो ऐड कर दिया तो यहाँ से आप लोग को एक मतलब बीट मार्क छोड़ के फिर उसके बाद फोटो को ऐड करना है। जैसे कि एक बीट मार्क छोड़ देना है, फिर आप लोग को यहाँ पर फोटो को ऐड करना, फुल फ्रेम में कर देना और इस बीट मार्क तक आप लोग इधर से फोटो को कट कर लेना। तो एक बीच करके आप लोग को फोटो को ऐड करना है। तो एक एक करके मैं सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ यहाँ तक। तो इस टाइप से आप लोग को ऐड कर देना, ऐड करके फोटो पे क्लिक करना, नीचे यहाँ पे कलर स्क्रीन चल जाना, यहाँ से आप लोग स्क्रीन कर देना। तो आप लोग तीनों फोटो पे जितना भी फोटो आप लोग ऐड किया हो सभी पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से लाइटन कर देना। तो आप लोग का कुछ इस टाइप का आप लोग को फोटो जो कि देखने लगेगा। तो यहाँ से आप लोग को यहाँ तक फोटो ऐड कर देने के बाद और इधर आप लोग को एक और फोटो को ऐड कर देना है, जो कि इधर आप लोग को सही फोटो को एक एक करके सही फोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो सो गाइस जल्दी से मैं सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो सो गाइस यहाँ से मैंने सभी फोटो को ऐड कर दिया है, जो कि बहुत सारा फोटो को मैंने ऐड किया है। आप लोग देख लेना, इसी टाइप से आप लोग को भी फोटो को ऐड करना है। तो ऐड कर देने के बाद आप लोग स्टार्टिंग में चले जाना और यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना है और यहाँ से आप लोग सेक इफेक्ट को ओपन कर देना। आप लोग स्टार्टिंग के फोटो पर क्लिक करना और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पर क्लिक कर कॉपी कर लेना इस वाला इफेक्ट। कॉपी करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना है और यहाँ से बीट मार्क को आपको ओपन कर देना है गाइस। ओपन कर देने के बाद आप लोग स्टार्टिंग के फोटो पर क्लिक करना और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पर क्लिक करना, पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ से आप लोग इस वाला फोटो पर इफेक्ट लग गया है। तीन चारों फोटो पर आप लोग इसी वाला इफेक्ट को पेस्ट करना है। एक एक करके सही फोटो पर इफेक्ट को पेस्ट कर देना है गाइस। तो सोचा जल्दी से आप लोग वीडियो को अभी तक से गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वाला वीडियो को भी लाइक भी कर देना। सो गाइस यहाँ तक आप लोग फोटो ऐड करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना। यहाँ से आप लोग सेक इफेक्ट को ओपन कर देना है और यहाँ पर आप लोग एक बैकग्राउंड में जो कि वीडियो मिल जाएगा इसे आप लोग कॉपी करना। कॉपी करने के लिए इस पर आप लोग टाइप करके रखना और ऊपर में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ से कॉपी लेयर कर देना है। करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना और यहाँ से बीट मार्क को आपको ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग जितना भी एक एक बीच डाल के फोटो गाइड किए हो बीच में इसी वाला को पेस्ट करना। तो पेस्ट करने के लिए ऊपर प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करना और पेस्ट लेयर कर देना। तो यहाँ पर आप लोग को ऐड हो जाएगा और ऐड हो जाने के बाद आप लोग को नेक्स्ट आप लोग को देख लेना, जहाँ पर आप लोग फोटो ऐड नहीं है वहाँ पर आप लोग फिर से एक और पेस्ट कर देना। तो इस टाइप से एक एक करके सभी पे आप लोग इस टाइप से फोटो को इस वाला को पेस्ट कर देना। तो सो गाइस जल्दी से मैं सभी पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से कर देने के बाद यहाँ से आप लोग बैक चले जाना, फिर से आप लोग को सेक इफेक्ट को ओपन करना और इस वाला फोटो पर क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना, यहाँ से आप लोग बीट मार्क को ओपन कर देना है और इधर आप लोग को फोटो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग को फोटो पर क्लिक करना इस वाला फोटो पर और क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फिर से आप लोग बैक चले जाना है और फिर से आप लोग को बीट मार्क को ओपन कर देना है, फिर से आप लोग इस वाला इफेक्ट को कॉपी करना। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा तभी आप लोग अच्छा से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से कॉपी करके बैक चले जाना है गाइस, यहाँ से बीट मार्क को फिर से ओपन कर देना और यहाँ पर आप लोग इस वाला फोटो पर पेस्ट करना, जो कि यहाँ पर आप लोग को फोटो मिल जाएगा। तो इस वाला फोटो पर क्लिक करना, नीचे में थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। सो गाइस यहाँ पर ऐड हो जाने के बाद फिर से बैक चले जाना, फिर से आप लोग को बीट मार्क सेक इफेक्ट को ओपन करना और ओपन कर देने के बाद आप लोग इस वाला इफेक्ट पर कॉपी करना, यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ से आप लोग को बीट मार्क को ओपन कर देना है। और यहाँ से ओपन हो जाने के बाद आप लोग लास्ट में चले जाना, जितना भी आप लोग लास्ट में फोटो आप लोग एक एक छोड़ के फोटो एक बीच को फोटो छोड़ के फिर से पेस्ट करना, जिससे कि इस वाला फोटो पर आप लोग को पेस्ट करना है। और यहाँ पेस्ट कर देने के बाद आप लोग एक बीच का फोटो को छोड़ देना, फिर उसके बाद फोटो पर पेस्ट करना है। इस टाइप से आप लोग पूरा फोटो तक कर देना है। करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना है और यहाँ से आप लोग बीट मार्क को ओपन कर देना है, नहीं सेक इफेक्ट को ओपन करना है। लास्ट में जो आप लोग इफेक्ट बचा है इस फोटो पर क्लिक करना और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक कॉपी कर लेना और कॉपी करके यहाँ से आप लोग बैक चले जाना, यहाँ से बीट मार्क को आपको ओपन कर देना है। और लास्ट में आप लोग जितना भी फोटो आप लोग छोड़ के एक बीच छोड़ के फोटो गाइड किए हो उस सारे फोटो पर आप लोग इस वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो सो गाइस जल्दी से मैं कर लेता हूँ, जैसे इस वाला फोटो पर क्लिक करना है और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो इसी टाइप से आप लोग सही फोटो पर ऐड कर देना। तो सो गाइस जल्दी से मैं कर लेता हूँ।
और गाइस अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो सो गाइस यहाँ से मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है, एक बार वीडियो प्ले करके आप लोग सुना देता हूँ जो कि स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और यहाँ से आप लोग वीडियो एक बार प्ले करके सुनाता हूँ। तो सो गाइस यहाँ से मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है। इस वाला वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर में सेटिंग के बगल में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे तो आप लोग वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा।